फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, ये कैंट कंपनी का आरओ है। ये मॉडल है कैंट प्राइम। आज हमें एसी को चेक करना है, इसमें क्या कंप्लेंट है, और ये वीडियो उसी पे बेस रहेगा। इसे चेक करने के लिए ये हमने इसका कवर हटा लिया, और कुछ इस टाइप से अंदर का पोर्शन आपको ये दिखाई देगा। बेसिकली ये जो है, इस समय कैबिनेट तो कैंट कंपनी का है, लेकिन इसका वायरिंग और इसका पाइपिंग लगभग हमने अपने अकॉर्डिंग किया हुआ है। जहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इसका मेम्ब्रेन हो गया, ये इसका सेडिमेंट फिल्टर हो गया, और ये इसका कार्बन फिल्टर है, प्लस इसमें यूएफ और कार्बन फिल्टर दो लगे हुए हैं। यहाँ ये टीडीएस एडजस्टर है। बेसिकली ये जो है आरओ ऑन नहीं हो रहा है। और उसे चेक करने के लिए हम इसका सबसे पहले ऑलरेडी हमने इसे चेक कर लिया था, लेकिन हमने इसका वायरिंग दोबारा से किया था, लेकिन ये फिर भी ऑन नहीं हो रहा। अभी हम लोग इसका मोटर डायरेक्ट एसएमपीएस से ऑपरेट करके देखेंगे। ये एसएमपीएस हमने लगा लिया, डायरेक्ट हम मोटर देखेंगे, मोटर ऑन हो रहा है या नहीं। ये देखिए, मोटर ऑन हो रहा है। और जो ऑलरेडी इसमें जो यह है एडाप्टर लगा हुआ था, ये एसएमपीएस है कैंट कंपनी का। इससे पूरा सिस्टम ये ऑपरेट होता है। ये इसमें जो देखिए, ये लिखा हुआ कैंट, आप देख सकते हैं। और इसमें स्पेसिफिकेशन पीछे दिया गया है, एसी डीसी अडैप्टर मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो दिया गया है मॉडल, इसमें बताया गया है कौन सा इनपुट, कितना करंट हम दे सकते हैं, और आउटपुट इसका 24 वोल्ट रहेगा, और 2.5 एम्पियर का है इसका लगभग ये एसएमपीएस। तो अब हमने इसका एसएमपीएस चेंज कर दिया है, और ये इसका पूरा सर्किट प्लेट है। इसे अभी हमने इसका सर्किट प्लेट हटा दिया है, इसे हम अपने अकॉर्डिंग इसका वायरिंग करेंगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारे पास सेम स्पेयर पार्ट नहीं होते हैं, तो अगर क्लाइंट एग्री करता है कि आप इसे अपने अकॉर्डिंग इसका वायरिंग कर सकते हैं, तो हम इसमें अपने पार्ट्स लगा के इसका वायरिंग कर देते हैं, जो कि बहुत कामयाब रहता है और लॉन्ग लाइफ रहता है, और पानी का प्यूरिफिकेशन भी बहुत अच्छा देता है। दूसरा, फिर इसमें जो मेंटेनेंस है बहुत कम रहती है कंपेयर टू कंपनी। अब देखिए, हम इसमें जो ऑलरेडी एसएमपीएस लगा हुआ था, इसको एक बार ही ऑपरेट करके दोबारा देखते हैं डायरेक्ट किसका, क्योंकि अभी ये जो ऑलरेडी लगाया गया था इसमें, वो एसएमपीएस से आरओ का मोटर ऑपरेट नहीं हो रहा था। और अब हम इसे चेक करने के लिए डायरेक्ट मोटर इससे ऑपरेट करके हम देखेंगे। ये देखिए,
ये इधर वो प्लग लगा लिया, ऑन कर लिया SMPS। तो ये देखिए इसमें जो है, अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो ये इसका मोटर जो है कंटिन्यूस ऑन नहीं हो रहा है, ये झटके मार रहा है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ इस टाइप से कर रहा है, जबकि हमने नया SMPS इसमें इंस्टॉल किया। तो नए SMPS से RO का मोटर बिल्कुल स्मूथ ऑपरेट हो रहा था। इसमें हम ये जो ST पावर का ये SMPS इसमें लगाएंगे, मतलब पूरा जो सिस्टम है हम इसी के साथ ऑपरेट करेंगे। लगभग सेम SMPS रहता है, ब्रांड का डिफरेंस आ जाता है, और इधर जो इसका कॉस्ट है वो बहुत चीप पड़ता है कंपेयर टू ब्रांडेड। ये इसका SP हो गया, ये इसका UV लैंप हो गया, ये UV, अब इसका वायरिंग हम करेंगे अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए अब हमने यहाँ अपना SMPS इंस्टॉल कर लिया है, और इसकी वायरिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमने इसके फ्लोर के कनेक्शन निकाल लिए हैं, और ये जो इसका SMPS का DC वाला जो 24 वोल्ट का पॉइंट है, यहाँ से हम इसका मोटर का कनेक्शन करेंगे और SV का कनेक्शन करेंगे, और यहीं से हम इसमें कस्टमर की डिमांड पर हमने इसमें, क्योंकि कस्टमर का ये कहना था इसका UV बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो हमारे सलाह देने पर कि आप इसमें LED वाला UV इंस्टॉल करवा दीजिए, उसका लाइफ ज़्यादा रहता है, तो हम इसका ये UV लैम्प भी इसका चेंज कर रहे हैं। और इसमें हम ये देखिए, ये इसमें लैम्प था दोनों तरफ से, लगभग मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये काला हुआ पड़ा है, और ये हटा के हम इसमें ये LED वाला अब लगवाया, इसमें UV इंस्टॉल करेंगे। इसमें फ़ायदा ये रहता है कि इसमें हमें अडाप्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, UV ब्लास्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये UV जो है देखिए इस टाइप से हम इसमें इंसर्ट करेंगे और ऐसे इंस्टॉल कर देंगे, और इसका डायरेक्ट जो हम कनेक्शन जो है 24 वोल्ट के साथ ही हम इस टाइप से इसे कर देंगे। और इधर से ये जो है इसके हम इसके कैप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर से हमने इसका कैप लगा दिया, और इधर से भी कैप लगा लेंगे, पहले हम भी परेशान रहते थे कि UV लैंप जो है इसका लाइफ ज़्यादा नहीं रहता है, जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन जब से हमें ये LED वाला UV अवेलेबल हुआ है हम इसको यूज़ कर रहे हैं लगभग पिछले 1 साल से, और कोई सिंगल ऐसा केस नहीं आया कि जिसमें हमें पता चला हो कि UV लैंप या UV LED जो है इसका ऑपरेट होना बंद हो गया है, मतलब UV फर्स्ट क्लास काम कर रही है। इसलिए अब हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं LED UV RO सिस्टम में। तो ये देखिए, ये इसमें मोटर की वायर और SP का वायर हम इसमें कनेक्ट कर देंगे, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन शायद आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, हर वीडियो में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं
कि प्लीज़ आप हमारा, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि फ्यूचर में भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेंगी, तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। हो सकता है किसी को हमारी ये वीडियो बहुत हेल्प करे। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, उससे फ़ायदा ये रहेगा जब भी हम अपने चैनल पर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। ये देखिए, यह पूरा सिस्टम ऑन है, आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं। और ये इसमें हमने LED वाला जो UV है इसका कनेक्शन अब इसमें करेंगे और इसे हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें ये जो है ब्लू कलर का जो लाइट आ रहा है, इसका मतलब हमारा UV भी सही से फिट हो गया। अब ये सिंपल हमने इसमें वायरिंग की है, कोई ज़्यादा होश कोश नहीं। और इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि इसका लाइफ सबसे पहली बात है बहुत ज़्यादा रहता है, इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कम रहेगा और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। इस वीडियो में मैंने आपको फिल्टर्स की पाइपिंग कैसी होगी वह नहीं बताया, सिर्फ इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसे होती है, अगर SMPS ख़राब हो जाता है, अगर आप अपना SMPS लगाना चाहते हैं और अगर आप सिंपल वे में वायरिंग करना चाहते हैं तो आप जिस स्टेप से हमने आपको इस वीडियो में दिखाया आप ऐसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।